नमस्कार, खास खबर डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सैयद अबीब। राजस्थान में चुनाव की स्थिति साफ हो गई है। बीजेपी को 115 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिल गया है। कांग्रेस 68 पर सिमट गई है। राजस्थान में राजनीति का रिवाज कायम रहा है और राज बदल गया है। हमारे साथ मौजूद है खास खबर डॉट कॉम के एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि पूरी राजस्थान की स्थिति अब क्या रहने वाली है। तो सर, राजस्थान में राज बदल गया है और रिवाज कायम रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे ये बात सही है कि जो हर 5 साल में यहाँ पर राज बदलता रहा है, उस रिवाज को जो है यहाँ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने कायम रखा है। और एक और रिवाज जो कह सकते हैं कि बीजेपी जब भी आती है स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आती है, कभी भी खंडित जनादेश लेकर नहीं आती। ये रिवाज भी कायम रहा है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया है, 115 सीटों के साथ में वो सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। और एक ये भी मतलब रिवाज कायम रहा है कि इस बार जो कांग्रेस है, कांग्रेस तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार चुनाव हार रही है। तो ये जो सिनेरियो जो बन रहा है, जो तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है निकल करके, आपने भी देखा होगा, ये परिणाम बहुत ही रोचक रहे हैं, चौंकाने वाले नतीजे कहे जा रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तो यही मानना है कि अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी इस जीत को लेकर के पिछले हफ्ते 10 दिन से, 1 महीने से जो है मतलब वो आत्मविश्वास से लबरेज थी, भरोसा था उनको, और बीजेपी ने जश्न की तैयारियां जो है बहुत पहले ही कर ली थी। सर, इस वक्त पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वसुंधरा राजे या कोई और, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी को अभी दिल्ली बुला लिया गया है और वो दिल्ली पहुंच गए हैं। देखिए, जहाँ तक बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की बात है, मुझे ये लगता है कि इस जीत के बाद अब बीजेपी में सत्ता संघर्ष शुरू होगा। शुरू इस मायने में होगा कि यदि मुख्यमंत्री की कमान वसुंधरा राजे जी को सौंपी जाती तो बीजेपी उनको पहले दिन से ही आगे करके चलती। बीजेपी ने बार बार ये मैसेज दिया कि उनको किनारे कर दिया गया। लेकिन जैसा कि वसुंधरा जी के बारे में लोग जानते हैं, उनके नेचर को जानते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, वो इतनी जल्दी से हथियार डालने वाली नहीं है। वो भी अंतिम क्षण तक सत्ता की कमान हाथ में लेने का प्रयास करेंगी। रही बात कौन बन सकता है, तो इसमें अब तक मुख्यमंत्री के कई चेहरे दावेदार माने जा रहे थे बीजेपी में, जिनमें राजेंद्र राठौड़ जी का नाम भी था, सतीश पुनिया का भी नाम था, राज्यवर्धन राठौड़ भी हैं, दिया कुमारी का भी नाम आ रहा था, बाबा बालकनाथ का भी नाम आ रहा था, गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम आ रहा, ऐसे बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे। पर इस चुनाव परिणाम में दो लोग इस दौड़ से बाहर हो गए, विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए और जो उपनेता थे विधानसभा में सतीश पुनिया, वो भी चुनाव हार गए। तो अब जो रेस में जो लोग रह गए सत्ता संघर्ष की में सीएम के लिए, ये बहुत सारे दावेदार हैं। जाहिर है कि केंद्रीय नेतृत्व चूंकि स्पष्ट बहुमत के साथ में बीजेपी सत्ता में आई है, तो अब मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। ऊपर से ही नाम तय होकर आएगा कि इनको सत्ता की कमान सौंपी जानी है, वो सबको मानना पड़ेगा। अब इसमें कितना संघर्ष होता है ये देखने की बात है, पर मोटे तौर पर अभी कई चेहरे जो है सामने हैं। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सर, बीजेपी में जीत का सेहरा किसके सर बनना चाहिए, मोदी जी के सर या वसुंधरा राजे के सर? क्योंकि आपने खुद ने पहले कहा था कि जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो अपनी सीट पे इतने फंसे हुए थे कि वो वहाँ से निकल तक नहीं पाए, तो ये जीत का सेहरा आप किसके सर बांधते हैं, या यहाँ के प्रभारी अरुण सिंह जी के सर, या प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सर? देखिए, इसमें जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो जीत का श्रेय लेने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे चेहरे सामने आ जाते हैं। अगर हम मोटे तौर पर तस्वीर देखें, सिनेरियो देखें, तो ये जीत का श्रेय पूरी तरीके से मोदी जी को जाएगा कि यहाँ मोदी की गारंटी जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस लेवल पर आकर के यहाँ चुनाव लड़ा, जिस तरह सघन प्रचार उन्होंने किया, जितना आक्रामक तरीके से प्रचार किया, और लोगों का ये मोदी की गारंटी है, तो जाहिर है कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। और इससे ये भी बात तय है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक खत्म नहीं हुआ है, लोगों को अभी भी उन पर भरोसा है,
और जैसा कि अभी स्टेटमेंट भी आए आपने पढ़े होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी कह चुके हैं कि मोदी की गारंटी की जीत है। तमाम नेता बीजेपी के कह चुके हैं कि मोदी की गारंटी की जीत है। अब जहां श्रेय के लेने की बात है तो आप एक ये भी मान सकते हैं कि जो यहां जोड़ी है चुनाव के प्रभारी की जो थी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं और प्रदेश प्रभारी जो हैं वो अरुण सिंह जी हैं, इन दो की जोड़ी है। यही जोड़ी कर्नाटक में भी थी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, यही जोड़ी राजस्थान में भी चुनाव का प्रबंधन देख रही थी, तो ये भी जीत का श्रेय लेने का प्रयास करेंगे। रही बात वसुंधरा जी की, आपने कहा तो वसुंधरा जी की का फैक्टर है, वसुंधरा जी कई सीटों पर प्रभाव रखती हैं और वो कई सीटों पर चुनाव प्रचार करने गई हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी है, काफ़ी भीड़ उनके सभाओं में आती है, तो निश्चित रूप से उनको भी जीत का श्रेय जाता है। पर हाँ, पार्टी का एक धड़ा उनको जीत का श्रेय ये नहीं देगा, क्योंकि वो यही कहेगा कि मोदी जी की वजह से हम सत्ता में लौटे हैं। और पार्टी ने पहली बार जो प्रयोग किया कि बिना सीएम का चेहरा घोषित किए हुए चुनाव लड़ा सामूहिक नेतृत्व में, और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़के पार्टी दोबारा से सत्ता में आई है, जबकि एक बार पहले भी ऐसा प्रयोग किया था लेकिन उस समय पार्टी 30-32 सीटों तक ही सिमट गई थी। तो ये मोदी जी के नेतृत्व की ही सफलता मानी जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो इसमें एक और बड़ा फैक्टर है वो है कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता जो इनका दूसरा संगठन है आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, असली जीत का श्रेय उनको जाता है, क्योंकि जो संघ का कार्यकर्ता अगर मन से नहीं लगता है तो पार्टी के लिए ये जीत बहुत आसान नहीं थी और बहुत ही कांटे का मुकाबला था। मेरे हिसाब से जो संगठन है किसी भी राजनीतिक दल की जीत में उसके संगठन की, उसके ग्राउंड पर वर्कर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जीत का असली श्रेय और असली हीरो मैं उसी को मानता हूँ जो संगठन में पर्दे के पीछे रह करके काम करता है। अब आगे जीत का श्रेय भले ही कोई ले वो अलग बात है। सर, इलेक्शन कैंपेन को देखें हम तो प्रधानमंत्री मोदी से लेके बीजेपी के तमाम नेताओं ने राजस्थान में ध्रुवीकरण की कोशिश की है, तो क्या ये ध्रुवीकरण की भी जीत है बीजेपी के लिए? लेकिन मैं इसके साथ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे राजस्थान में बीजेपी की ये सबसे छोटी जीत है 2003 के बाद। 2003 में बीजेपी ने 156 सीटें ली थी, फिर 2013 में 160 सीटों से ज़्यादा ली थी, इस बार तो सबसे कम सीटें आई 116, हालांकि स्पष्ट बहुमत जरूर है उनके पास, तो ये तो रिवाज कायम करना ही हुआ फिर तो। नहीं देखिए, आपने जो कहा कि एक बात तो तय है कि बीजेपी वो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो गई है, ये आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो चुनाव में मुद्दे थे प्रमुख रूप से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा बीजेपी ने, सब जगह पे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उन्होंने भुनाया उठाया, चाहे इसमें आप कन्हैयालाल के का उदयपुर का कांड ले सकते हैं, आप तो उदयपुर से ही हैं कि कन्हैयालाल के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया गया है ना, जो कांवड़ यात्राएं थी और जो हिंदू त्योहारों पर थी उनकी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने को प्रमुख रूप से उठाया गया, और मुस्लिम तुष्टिकरण का मुद्दा बड़ी उससे उठाया गया। तो कहने वाला कि ये हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण तो हुआ है, इसको मान सकते हैं। रही बात आपने कहा कि ये सबसे छोटी बड़ी जीत है बीजेपी की, छोटी जीत, इसमें जीत छोटी बड़ी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जीत तो जीत ही है, चाहे भले वो एक वोट से हो और या वो 10 सीटों से हो, लेकिन ये एक रिवाइज बीजेपी का कायम है कि बीजेपी जब भी सत्ता में लौटी है राजस्थान में स्पष्ट बहुमत के बाद साथ में लौटी है, लंबे कम से कम जब से वसुंधरा जी हैं यहाँ 3 बार से, तो वो पहले 120 फिर 163 फिर 115, तो मतलब स्पष्ट बहुमत के साथ में लौटी है, तो इसलिए छोटी जीत में इसको नहीं मानता, ये बीजेपी की बड़ी जीत है और बीजेपी इस नरेटिव को सेट करने में कामयाब रही है कि जो है हिंदुत्व का मुद्दा जो है भारी है और मुस्लिम तुष्टिकरण की जो कांग्रेस की नीति रही वो नहीं चल पाई, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। और एक बात कि मोदी जी ने जो भविष्यवाणी की कि अब राजस्थान में गहलोत की सरकार नहीं आएगी, तो मुझे लगता है कि ये भी मोदी जी की भविष्यवाणी अब बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो सर, अब गहलोत के बाद कौन होगा राजस्थान में? ठीक है, आपने बात की गहलोत की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अब ये एक बड़ी विडंबना सामने आ गई है कि उनके नेतृत्व में ये हार की हैट्रिक बन गई है। हार की हैट्रिक इस सेंस में कि पहले वे 156 थे जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो 56 पे रह गए, फिर 121 से 21 पे रह गए, और इस बार भी
वो फिर तीसरा चुनाव हारे। तो तीसरे चुनाव हारने सर मैं आपको यहाँ पर टोकना चाहूँगा कि ये गहलोत की थोड़ी सम्मानजनक हार है पिछले दो टर्म के मुकाबले। आप इसको सम्मानजनक हार कह सकते हो क्योंकि गहलोत जी, अशोक गहलोत ने जिस स्तर पर जाके चुनाव लड़ा और जितनी ताकत और दमदारी के साथ चुनाव लड़ा उसमें 68 सीटों पर आकर के वो रुके, इसको सम्मानजनक हार कह सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद कांग्रेस में कलह और बढ़ेगी और अशोक गहलोत जी का के सिर पे इसका हार का पूरा सहरा बांधा जाएगा। और ये कांग्रेस में जो पहले कलह थी चल रही थी, जैसे कि सामने आ रही थी बार बार कि जो है सचिन पायलट के उनके बीच में विवाद था, फिर वो राजेंद्र गुढ़ा उनका मंत्री उनके खिलाफ खुल करके बोले, है ना, फिर उसके बाद में जो गिरिराज सिंह मलिंगा उनके विधायक थे वो खुल के बोले और कई मंत्रियों ने भी खुल करके भावनाएं व्यक्त की। पर लेकिन अशोक जी ने क्या है कि उन सबको वो दरकिनार करते चले गए, मतलब उसका नोटिस नहीं लिया या उन्होंने ये जानने का कोशिश नहीं की कि यार ये अगर ऐसे खुल करके बोल लें तो आखिर क्या कारण है। तो उस अंतर विरोध को अगर वो ठीक करने की कोशिश करते तो मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति नहीं बनती। एक और कारण जो इसमें मुझे नज़र आता है, एक और दूसरी बात है जो मैंने शुरुआती तौर पर अपने मित्रों में चर्चा की थी, शायद आपसे भी चर्चा की थी, कि इस बार जो का चुनाव था जो गहलोत के विरोधी हैं उनके हाथ में पहली बार ये बाजी आई थी कि वो अब तक जो उनके साथ में हुआ चाहे वो बदला ले लें, हाँ चाहे वो मान लो परशुराम मदेना जी का परिवार हो या मिर्धा परिवार हो या और जो भी लोग हैं, तो उनके विरोधियों को पहली बार ये मौका मिला था कि अब तक जो उनके साथ हुआ उसका वो बदला लें। तो मेरे को जो आशंका लग रही थी कि जो उनके विरोधी हैं वो सारे एकजुट होंगे, क्योंकि उनको ये आशंका सता रही थी कि अगर इस बार सरकार रिपीट हो जाती है और अशोक जी दोबारा सत्ता में आ जाते हैं तो फिर उनका आगे कोई चांस नहीं है, क्योंकि फिर वो आगे उनको कोई चांस मिलने वाला नहीं था। शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ सचिन पायलट ने भी, जो पूर्व डिप्टी सीएम है जिन्होंने एक बार विरोध का झंडा उठाया था, उनकी भी ये मंशा रही होगी कि उन्होंने अपने अगले 5 साल देखे होंगे कि इस बार कम से कम हार जाएं लेकिन अशोक जी अब इस सीन से गायब हो जाएं या उनको दूर कर दिया जाए, पार्टी का केंद्रीय आलाकमान भी उतना महत्व नहीं देगा, तो जाहिर है कि आगे उनको अपना रास्ता नज़र आ रहा होगा सचिन पायलट को। तो मुझे लगता है कि इस बार ये कांग्रेस को पब्लिक ने, जनता ने नहीं हराया, कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया, जो रिवाज का हमेशा कहते भी रहे, बात चलती भी रही है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती रही है। तो इसमें एक और दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहूँगा, थोड़ी बात लंबी हो रही है, कि अशोक जी का एक और फार्मूला जो अब मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, पहले भी मैंने ये व्यक्त की थी आशंका कि वो जो मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट काट नहीं पाते, जबकि उनको पता था, अच्छी तरह से पता था, खूब फीडबैक आ रहा था कि इस बार विधायकों के खिलाफ जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी थी, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो विधायकों के स्तर पर लूटपाट हुई, जिस तरीके से मनमर्जियां हुई, लोगों ने खूब अपनी शिकायतें लिखी। राजस्थान के सर विधानसभा अध्यक्ष समेत 18 मंत्री हार भी गए हैं। हाँ, तो जो उन्होंने खूब लिख लिख करके भेजी, लेकिन अशोक जी ने जनता के विरोध को दरकिनार कर दिया, पार्टी वर्करों के विरोध को दरकिनार कर दिया, किसी की बात सुनी नहीं गई। और वो तीसरी बार उन्होंने ये प्रयोग किया कि जो सिटिंग है उसका टिकट नहीं काटना, तो मुझे लगता है कि इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो सर आगे क्या लगता है अशोक गहलोत की अब राजनीति में क्या भूमिका रहने वाली है, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? देखिए, जो मुझे लगता है कि उनके पास एक मौका था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का उस समय, वो अगर उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते और यहाँ की सत्ता इनको सचिन पायलट को सौंप देते तो उनका कद काफ़ी बड़ा होता और वो राष्ट्रीय लेवल के लीडर कहलाते। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में भी मुझे उनके काफ़ी संकट नज़र आ रहा है, क्योंकि अब राष्ट्रीय ऊपर के लेवल पे भी ये लड़ाई हो जाएगी कि इनके तो सिर पे हार का ठीकरा सहरा बन चुका है और एक ने हार की हैट्रिक का सहरा बन चुका है, जो अपने ही गृह प्रदेश में लगातार तीसरी बार हार जाए उसमें, और इस बार गुजरात के भी दो बार प्रभारी रह लिए, गुजरात में भी हार का ही ठीकरा उनको मिलाई है। तो इस वजह से कोई, मुझे लगता नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पे उनको कोई बहुत बड़ी भूमिका जैसे कि आप कह रहे हो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मिल पाएगी। हाँ, ये एक आशंका जरूर है कि 3 राज्यों में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे शायद इस्तीफा दे दें
और फिर जब कोई नेतृत्व सामने नहीं आए या मान लो मजबूरी हो जाए तो अशोक जी को ये कमान सौंप दी जाए कांग्रेस की। लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि अशोक जी को अब कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस में उनको दी जाएगी। तो सर नेता प्रतिपक्ष आपकी नज़र में अब कौन होने वाला है? अभी तो देखिए रिजल्ट आए हैं जीत करके, अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, अब विधायक दल की बैठक में कौन कौन लोग सामने आते हैं सीनियर, अगर सीनियरिटी की बात करें। नहीं, मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं? अभी ये कहना बड़ा मुश्किल की बात है कि वो सचिन पायलट लीडर अपोजिशन हो सकते हैं, क्योंकि अब इस समय तीन चार कई सीनियर लीडर भी हैं, जैसे वरिष्ठतम मंत्री हैं शांति धारीवाल, वो चुनाव जीत गए हैं, वो गहलोत गवर्नमेंट में नंबर दो पे होते थे गहलोत जी के बाद, और जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी चुनाव जीत गए प्रदेश अध्यक्ष हैं, सचिन पायलट भी चुनाव जीत गए, पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो ये इसके लिए भी इन तीनों चारों के बीच में अभी बात चलेगी। अब इनमें से कौन विपक्ष का नेता बन पाता है वो बात की बात है, पर अब कोई इतना इस सवाल का इतना अहम मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो सर अब बीजेपी के लिए एक सवाल है कि बीजेपी के दो बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष थे, सतीश पूनिया जो उप नेता प्रतिपक्ष थे, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जो ये दो दिग्गज जो चुनाव हारे हैं इसके पीछे का कारण कुछ भी नहीं है, इनके अपने ही कारण हो सकते हैं, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ पहले चूरू से चुनाव जीते थे, फिर वो वहाँ से सीट छोड़ के तारानगर गए हैं, तारानगर से बहुत पहले चुनाव जीत चुके थे वो, है ना, तो अब दोबारा जब गए तो वहाँ उनके सामने सांसद थे वो नरेंद्र बुढ़ानिया, जो सांसद भी रह चुके हैं, नरेंद्र बुढ़ानिया पिछले 5 साल से लगातार वहाँ सक्रिय थे और काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इन दो नेताओं में ये भी है कि जब ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अहंकार भी थोड़ा बहुत पनप जाता है, तो वो भी एक वजह हो सकती है, और दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है जिन लोगों के टिकट कटे हैं जो स्थानीय वर्कर हैं उन्होंने उनका मन से साथ ना दिया हो। राजेंद्र राठौड़ के लिए तो ये भी है सर कि उन्होंने सीट लगातार बदली है, पहले वो चूरू थे फिर तारानगर गए, इससे पहले वो तारानगर से एक बार जीत चुके हैं, तो उनके लिए भारी का एक इशू भी था वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है आप कह रहे हैं, भारी का इशू भी वहाँ पे आ गया था। प्रदेश में 18 मंत्री हार गए विधानसभा अध्यक्ष समेत, तो इसको आप इनकी क्या वजह मानते हैं कि मंत्रियों के हारने की बड़ी वजह क्या है? देखिए राजस्थान में जो कांग्रेस हारी है ये कोई पहली बार नहीं हारी, या मंत्री हारे हैं तो पहली बार नहीं हारे, अक्सर पहले भी हारते रहे, जैसा कि बात हमने की कि रिवाज है कि हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदल जाती है, लेकिन मैं इसको इस नज़रिए से सोचता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए, जैसे कि अभी पहले भी हमने चर्चा की थी कि संगठन सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि संगठन ही सरकार बनाता है, सरकार संगठन नहीं बनाती, और संगठन में रीढ़ की हड्डी होता है कार्यकर्ता, उसके अग्रिम संगठन होते हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में आरएसएस उनकी रीढ़ की हड्डी है, बड़ा संगठन है, उनके और भी बहुत सारे संगठन हैं, आपने देखा होगा ना, सेवा भारती भी है, विश्व संवाद केंद्र भी है, और बहुत सारे उनके संगठन हैं जो अलग अलग फ्रंट पर काम कर रहे हैं, उन्होंने इस लेवल का संगठन बनाया हुआ है कि बूथ लेवल तक उन्होंने बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, है ना, बूथ समिति तक बना रखी है, आपने देखा होगा, तो इतना मजबूत संगठन बीजेपी ने बना दिया है उसमें, और जो घर घर जाके विचारधारा के तौर पे भी शाखाएं उनकी लगातार लग रही हैं, आपने देखा होगा लगातार लगती हैं, तो वो उतना काम है। ये अब इसकी तुलना हम करें अगर कांग्रेस से, तो कांग्रेस में आज संगठन कहाँ है? कांग्रेस में कहीं संगठन नज़र नहीं आता, आप देखो सेवा दल कहीं नज़र नहीं आता, NSUI कहीं नज़र नहीं आती, यूथ कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती, महिला कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती, आपके किसान कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती, इंटक जैसा संगठन है वो ख़त्म हो गया, अब कांग्रेस में क्या रह गया कि जिसको टिकट मिलता है या जो पैराशूटर्स आता है वो अपने दम पे चुनाव लड़ता है, अपने उसका जो अपना नेटवर्क होता है उस पर चुनाव लड़ता है वो, तो कांग्रेस में जैसे जैसे वर्कर की कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है उसका खामियाजा तो भुगतना ही होता है। आपने देखा होगा कि ये अशोक जी का जो ये कार्यकाल गया है इसमें 5 साल में बहुत सारे पद खाली पड़े रहे, तमाम बोर्ड कॉरपोरेशंस खाली पड़े रहे, संगठन की इकाइयाँ जिला लेवल पे जो भंग हुई थी DCC तक नहीं बन पाई थी, ब्लॉक लेवल तक नहीं बन पाई, चुनाव से 15 दिन पहले 1 महीने पहले आपने जिला इकाइयों का तमाम गठन किया, चुनाव हारने की बड़ी वजह हो सकती है सर आपने बनाई, तो वो क्या काम करेंगे उसमें,
है ना। तो ये भी मेरे को लगता है कि चुनाव की बड़ी वजह कि संगठन में जो वर्कर है वो लेता क्या है, सरकार से कुछ नहीं लेता, पार्टी से कुछ नहीं लेता, उसको एक बस ये तसल्ली रहती है कि वो संगठन का पदाधिकारी है, वो फील्ड में काम करता है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस में अब जो बूथ पर लड़ने वाला जो वर्कर है या जो वोट डलवाने वाला वर्कर है वो नहीं बचा है, और जो उम्मीदवार है टिकट लेकर आते हैं वो अपने दम पे कितना लड़ पाते हैं ये बात की बात है, वो आप भी जानते हैं मैं भी जानते हैं कि कोई आदमी कितना लड़ पाएगा उसमें, कि जहाँ उनके साथ में एक मास लेवल पर वर्कर जुटा हुआ है, यहाँ बिल्कुल संगठन ही खत्म हो रखा है, कोई मतलब कहीं पे तमाम पद खाली पड़े, कृषि मंडियों के चुनाव तक नहीं कराए इन्होंने, कृषि मंडियों के पद खाली पड़े रहे, UIT के तमाम पद खाली पड़े रहे, और एक जो परंपरा जो बन गई सरकारों में, एक और आपने देखा होगा इम्पोर्टेंट है मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि पॉलिटिकल पद हैं, जैसे कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन का पद हो गया है ना, या UIT चेयरमैन के पद हो गए, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के हैं बाई नेचर भी और संवैधानिक रूप से भी, लेकिन सरकारें जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं उनको भरने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, वो क्या करते हैं जो भी IAS होता है रिटायर्ड होता है उन्हीं को चेयरमैन बना देते हैं या उन्हीं को प्रशासक बना देते हैं या उन्हीं को पावर दे देते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो पार्टी का वर्कर है, जो डेडिकेटेड वर्कर है, जो लंबे साल से संघर्ष कर रहा है, उनका अधिकार मारा जाता है, उनका हक मारा जाता है, तो उनको लगता है कि जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेरी कोई पार्टी सुनी नहीं रही है, तो फिर मैं भी क्यों पार्टी के लिए काम करूं। तो हार का ये भी एक बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूं। इस चुनाव में सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है कि लाल डायरी पूरे चुनाव में छाई रही, प्रधानमंत्री से लेके तमाम BJP के नेताओं ने उठाया, और उस लाल डायरी के इशू को उठाने वाले कांग्रेस के मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा उदयपुर वाटी से तीसरे नंबर पे फिसल गए, और इसी तरह रोजगार का मुद्दा या पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले उपेंद्र यादव जिनको BJP ने शाहपुरा से टिकट दिया वो तीसरे नंबर पे चले गए, इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखिए ये मुद्दे हैं जो आप कह रहे हो कि लाल डायरी का मुद्दा है, BJP ने उसको हाइप देने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, JP नड्डा जी, तमाम लोगों ने उसको उठाया जो लाल डायरी के विषय को, और जहाँ पेपर लीक का मुद्दा है पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया, बड़ी ज़ोर शोर से उठाया। इन मुद्दों को जो उठाने वाले जो लोग थे, जैसे शाहपुरा अपन उपेंद्र यादव की जो बात करें कि उपेंद्र यादव चुनाव हार गए, वो तीसरे नंबर पर रहे, उपेंद्र यादव पूरे 5 साल तक संघर्ष करते रहे बेरोजगारों को लेकर, सरकारी नौकरियों भर्तियों को लेकर के, लेकिन वो चुनाव हार गए। मुझे ये लगता है कि ये दोनों मुद्दे थे, BJP ने बनाने की कोशिश भी की, जहाँ लाल डायरी को भ्रष्टाचार से भी जोड़ने की कोशिश की, पर मुझे लगता है कि ये मुद्दे आम जनता को ज़्यादा प्रभावित करने वाले नहीं थे। इसकी जो BJP की जीत का कारण है वो मैंने बताया कि उनका मजबूत संगठन और मजबूत कार्यकर्ता है, इस वजह से उनकी वो चुनाव जीत पाए, हिंदुत्व वोटों का वो विचारधारा के आधार पर जो है ध्रुवीकरण कर पाए, और इसमें जो ये मुद्दे हैं इन मुद्दों की मुझे कोई बहुत बड़ी भूमिका नज़र नहीं आती। हाँ थोड़ा बहुत किसी को प्रभावित किया होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाते हैं या जो सामने आते हैं वो अपर मिडिल क्लास के लोगों को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि इस चुनाव के अंदर एक नया ट्रेंड भी चला है बागियों का, और ज़्यादातर बागियों ने अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल की है। दूसरा, मेवाड़ रीजन के अंदर जो BAP भारतीय आदिवासी पार्टी और ट्राइबल पार्टी 3 सीटों पे चुनाव जीत चुकी है और 5-7 चुनाव हरवा चुकी है, कहीं BJP के प्रत्याशी को कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को तीसरे नंबर पे धकेल दिया उन्होंने, तो इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? ये कोई नया ट्रेंड मुझे नहीं लगता है, बागी हर बार जीतते रहे, आपने भी देखा होगा हर बार चुनाव में, चाहे कांग्रेस के हों चाहे BJP के हों, बागी हर बार चुनाव जीतते हैं, क्योंकि उनके बारे में पार्टी डिसीजन करने में थोड़ा सा सही नहीं कर पाती या उनका आकलन ठीक से नहीं कर पाती है, चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन वो चुनाव जीत के आ जाते हैं, और जैसा कि आमतौर पर होता है जो जिस पार्टी के बागी होते हैं, जिस राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, वो लास्ट में उसी दल में आकर के मिल जाते हैं, और वो उसी दल में आने के बाद उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो बागियों का जहाँ तक बागी होते हैं, इस बार भी बागी खूब थे, तो वो कोई ज़्यादा नया ट्रेंड नहीं है बागियों का। हाँ, आपने जो भारत आदिवासी पार्टी की जो बात की, तो जो बागड़ का इलाका है वहाँ पे आदिवासियों की पार्टियाँ अभी आ रही हैं, आदिवासी अभी यूनाइटेड हो रहे हैं,
पहले बीटीपी थी, इस बार मध्य प्रदेश में भी पार्टी, मध्य प्रदेश में भी सर इन्होंने लिए। हाँ, तो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने लेने, तो ये आदिवासी जो अब आपने देखा होगा कि जातियों में या जो वर्ग हैं वो सबू अब इकट्ठे हो रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हक मारे गए या उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत ही अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे थे, तो इसलिए वो यूनाइटेड हो रहे हैं और असर डाल रहे हैं। जहाँ जहाँ उनका प्रभाव है, क्षेत्रीय दल प्रभाव डालते रहे कुछ इलाकों में। अब जैसे अपन भरतपुर की भी बात करें तो वहाँ RLD एक सीट निकालती है भरतपुर में, उत्तर प्रदेश का संगठन है। तो अभी तक के लिए राजस्थान की राजनीति के लिए इतना ही, हम आगे भी राजनीति पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए खासखबर.com।